नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, रेलवे के द्वारा RRB ग्रुप डी का फॉर्म जो भरे हैं, सभी बच्चों इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए कैंपेन भी चला रहे थे कि एग्ज़ाम जल्दी इसका कराया जाए। वास्तव में बहुत लेट हो गया है, तो लग रहा है अब एग्ज़ाम आपकी हो सकती है। आइए, इस संबंधित में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे लगभग एग्ज़ाम कब हो सकता है और इसकी समायोजित डेट क्या होगी और आपको इस पर क्या करना चाहिए, किस तरह तैयारी करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप जब रेलवे वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस समय दो नोटिस दिखाई दे रहा होगा। एक नोटिस जो है RRB ग्रुप डी से संबंधित है और एक नोटिस RRB NTPC से संबंधित है। तो सबसे पहले RRB NTPC की जो नोटिस है उसे संबंधित देखते हैं। देखिए, आप जब जाएंगे तो डाउनलोड करेंगे, आपको दिखेगा CBT 2 एग्ज़ाम और CBT 1 रिजल्ट के संबंध में एक सौ नोटिस है, जिसमें लिखा गया है कि द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT 1 7 चरणों में संपन्न हुआ, जो 28 दिसंबर 2020 से जुलाई 31, 2021 तक संपन्न हुआ है। इसका रिजल्ट प्रोसेस में है, जो कि जनवरी 2022 में आ सकती है, 15 जनवरी तक। और CBT 2 एग्ज़ाम जो है 14 से 18 फरवरी 2022 तक हो सकता है। और जो भी एग्ज़ाम होगा COVID-19 जो पेंडेमिक है उसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए होगा, आगे आपको सूचना दी जाएगी। अर्थात ये स्पष्ट है कि 14 से 18 2022 तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम संभव तो नहीं ही लग रहा है। उसके दो कारण हैं कि CBT 1 का रिजल्ट आकर पहले इसका मेंस होगा, इसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। दूसरा नोटिस है आपको ग्रुप डी से संबंधित कि जिन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है फ़ोटो गलत होने के कारण या फ़ोटो सही से अपलोड नहीं होने के कारण और सिग्नेचर अपलोड सही से नहीं होने के कारण, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं अपने से फॉर्म नहीं भरे हैं, वो साइबर कैफे में भरवाए हैं, लास्ट में बहुत सारी वेबसाइट डिस्टर्ब भी थी, तो बहुत सारे लड़कों को मिस्टेक हो गया है, तो वो अपना सही करा लें, पुनः एक मौका मिल रहा है आपको। इस संबंधी सूचना है। अब देखिए, कहते हैं बात कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में और चुनाव मार्च में ख़त्म होगा, तो मार्च के पहले संभव नहीं लग रहा है एग्ज़ाम कराना। तो हो सकता है मार्च लास्ट या अप्रैल 2022 में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। फिर भी आपके पास 4-5 महीने हैं और ग्रुप डी की सीट्स बहुत बड़ी है, 1 लाख सीट की वैकेंसी है। पुनः रेलवे में इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही आए, तो यह आपके लिए बेहतर मौका है। बहुत बच्चे निराश होकर पढ़ाई छोड़ दिए थे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे मन से तैयारी में लग जाइए। अभी तक आप नहीं कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए और देर ना करिए, 5 महीने में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और ये 22 में एग्ज़ाम ज़रूर होगी, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी इसका सलूशन गवर्नमेंट कर रही है। आप देख रहे होंगे टीकाकरण जोरों पर चल रहा है और लगभग 50% गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार देश के लोगों को टीकाकरण कर दिया गया है। और आप भी अगर टीकाकरण नहीं कराए हैं तो आप ज़रूर करा लें, क्योंकि सबसे पहले ज़िंदगी रहेगी तभी कुछ होगा, और तैयारी में लग जाइए। कल पुनः मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कि आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम किस तरह से इन 4-5 महीनों में जो समय बचा है आपके पास उसमें यूटिलाइज करके निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। और मेरा रेलवे का एक्सपीरियंस है जिसको भी मैं शेयर करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।